गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज बड़े दिनों के बाद धूप निकली है एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड है ना गाइस कि ठंड के मारे मुझे इतना ज़्यादा आलस आता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट एनीवेज आज धूप निकली तो ढेरों काम है करने के लिए। एंड ये जो है ये एक तरह का फूल है, इसको हम लोग फ्राई करके खाते हैं। इस फूल को ना बॉक फूल कहते हैं। तो अगर आप लोग में से कोई आसाम से हो तो आपको ज़रूर पता होगा। एंड इसको आप क्या कहते हैं ना, बेसन के बैटर के साथ या फिर राइस फ्लॉर के बैटर में मिक्स करके इसको बनाते हैं एंड बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे पकोड़ा होता है ना, भज्जी ये सब होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। तो आज लंच में इसकी भाजी बनेगी एंड हम लोग इसको बहुत ही यम्मी यम्मी से खाएंगे। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये है वो मिठाई, कल हम मार्केट से आने के बाद कुछ भी नहीं ओपन किया था। ये है मिठाई, मिठाई एंड देन मिठाई, और ये भी एक मिठाई। ये लड्डू, लड्डू वालों को लड्डू लड्डू पसंद है। ये है मोचा घेवर। वहां पे ना दो तरह के घेवर थे, एक तो मलाई का भी था, तो मलाई का मैंने लाया नहीं। ये घेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी है। एंड ये है और एक मिठाई, इसका नाम क्या चंद्र घंटा कुछ ऐसा नाम था। मतलब मुझे मिठाई का नाम इतना याद नहीं है, बट मिठाई देख के मतलब बहुत खाने का मन करता है। और ये भी एक पेड़ा है, छोटा छोटा होता है ये सब। एंड ये जो है ना इतना बड़ा, ये है राजभोग। जब इसको ओपन करेंगे तब मैं दिखाऊंगी। बहुत बड़ा बड़ा साइज का रसगुल्ले का जो साइज है उसके डबल वाला साइज का होता है, इतना बड़ा वाला। ये देखो, ये तो हमें चेन्नई में मिलता भी नहीं है, ये मिल जाता है चेन्नई पे। घेवर भी कभी कभार दिख जाता है, लड्डू तो कॉमन है, बट ये और ये तो मिलता ही नहीं है। सो ये जो मैं बोल रही थी मिठाई चंद्रघंटा, चंद्रघंटा नहीं है, ये है चंद्रपुली। बहुत ही टेस्टी होता है। ये सारी चीजें वहां पे तो मिलने से रहा चेन्नई में। तो अभी पापा मार्केट जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि और एक बार मिठाई लेके आओ। मतलब फिर पापा ने डांट दिया कि इतना सारा मिठाई खा के क्या करोगे, मतलब बाद में खाएंगे। और ये तो मतलब पता नहीं इसको मम्मी कब ओपन करेगा, कब मैं इसको खाऊंगी, देख के इतना ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। राजभोग शिवांग, और शिवांग का चेहरा देखो, शिवांग खाओगी, शिवांग 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 शिवांग। ये था कल का मार्केटिंग, चलो ओपन करते हैं अभी इसको। तो बहुत दिन हो गए हमने कोई ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करा था, तो सोचा चलो ऑफलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम भी आते हैं। तो यही ऑफलाइन शॉपिंग का नतीजा, इतना सारा हमने शॉपिंग कर डाला। ये दो शर्ट्स हमने खरीदे एंड कुछ साड़ियाँ खरीदी हैं, उसमें से ये मेरी फेवरेट वाली साड़ी है। और ये पता है पिंक जो है ना, डार्क पिंक उस कलर का है। एंड यहाँ पे देखो पापा जो है ना आप लोगों को पैम्पलेट दिखा रहे हैं, एंड बहुत बहुत ही प्रिटी है इसका कलर, पिंक कलर का। एंड इस साड़ी का नाम कुछ बालूशाही, यस बालूशाही कुछ इस तरह का नाम बता रहे थे। एंड बिलीव मी गाइस, मुझे साड़ियों के बारे में इतना खास कुछ नॉलेज नहीं है, बस वो अंकल बता रहे थे कि साड़ी का नाम बालूशाही है। और मुझे देखते ही ये साड़ी मतलब फर्स्ट लुक में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। ऐसे हमने दो खरीदे हैं, एक ये वाला पिंक कलर का एंड जो दूसरा वाला है वो ये है ऑरेंज कलर का। तो उनके पास दो ही कलर के थे, एक रेड सॉरी एक पिंक एंड दिस वन इज इन ऑरेंज। सो ऑरेंज में गोल्डन कलर का एंड पिंक में गोल्डन कलर का कुछ इस तरह सा ना क्या बोलते हैं उसको, नक्काशी नहीं कुछ प्रिंट, यस पर प्रिंट वैसा कुछ बना हुआ था। एंड तीसरी साड़ी ये कॉटन की साड़ी, जिसे हम लोग तात कहते हैं ना, तात की साड़ी बंगाली में कहते हैं, तो ये वाला हमने ख़रीदा। सो टोटल हमने तीन साड़ी खरीदी, तो तीनों में से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब कहते हैं ना शॉपिंग करने से थोड़ा मूड भी खुल जाता है, अच्छा लगता है, तो खासकर उसी के लिए भी एक अच्छा है। एंड ये एक और एक ये शिवांग के लिए हमने ख़रीदा, उसके लिए एक जैकेट खरीदा क्योंकि ऐसा सेट बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर, उसके लिए एक जैकेट खरीदा। नहीं ये जैकेट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड उसको पहन के भी बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। बच्चे खासकर ना वो जो चुपने वाले वो पहनते नहीं है ना, एंड ये लगे हाथ, उसके लिए ट्रैक पेन खरीद लिया। एंड फाइनली उसके बाद हमने खरीदे मम्मी पापा के लिए, स्पेशली मम्मी के लिए एक बोरोसिल का क्या कहते हैं उसको, बड़ा वाला एक पतीला जो कहते ना, जिसमें माइक्रोवेव की चीज़ें बन जाती है, माइक्रोवेव से रिलेटेड, जिसमें आप पुलाव फ्राइड राइस या फिर चिकन ऐसा कुछ जो माइक्रोवेव बना सकते हो। एंड उसके साथ ये दो स्पैचुला भी हमने खरीदे हैं। तो सारा कुछ शॉपिंग देख लिया आपने, तो ये सारा कुछ कल हम लोगों ने शॉपिंग किया है। एंड
बताइएगा आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। मैंने जो दो साड़ियां दिखाई है ना, उन दो साड़ी में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, कौन सा कलर? कैमरा में वो रेड दिखा रहा है, एक पिंक है और एक है ऑरेंज कलर का, बट कैमरा में वो रेड कलर शो कर रहा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो रेड नहीं है, वो ऑरेंज कलर का है। बहुत ही सुंदर साड़ी है गाइस, मुझे तो पिंक वाला बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा पसंद है। सो अभी फिर से पापा और ये निकल गए मार्केट के लिए, थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग के लिए, और अभी मैं थोड़ा सा घर का काम करूंगी। मम्मी अभी लंच के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो मैं यहाँ पे, पता ही है, बाहर जाओ घर में आने का साथ साथ मतलब है कपड़े धोना। तो कल हम लोग मार्केट जब गए थे, वहां से आते समय वो कपड़े बस भिगो के वैसे ही रख दिया था, तो अभी मुझे वो सारा काम करना है। एक्चुअली आज रात को डिनर पे मेरे जो बाकी भाई बहन है तो उनको बुलाया है खाने के लिए, हम लोग सब इकट्ठा यहाँ पे डिनर करेंगे, तो वो भी बहुत मज़ा होने वाला है। वो मैं आप लोगों के वो बाद में मिलवाऊंगी रात को, तो अभी मैं फिलहाल अपना सारा काम खत्म कर लूँ, उसके बाद फिर से छत पे मिलते हैं शाम को।